पूरा खानदान ही मक्का। अम्मी जी, आपकी कोई बात हुई वसीम से? अरे बेटा, मैं तुमसे पूछने वाली थी, उसका तो फोन बंद जा रहा है। हाँ, मुझे बोल तो रहे थे वो कि पता नहीं कोई नए कारोबार का कोई इरादा तो किया है उन्होंने। उस सिलसिले में किसी दोस्त से मिलना था, उसके साथ जाके प्लॉट भी देखना था, लेकिन अभी तो सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं अरसलान से कहती हूँ कि वो पता करे। अरसलान को अपनी बीवी से फुर्सत मिले तो वो तुम्हारा कोई काम करेगा। हाँ भाई, उसकी बीवी ने भी आते ही बिस्तर संभाल ली है। लेकिन अम्मी जी, मैं आपके तजुर्बे की कायल थी, लेकिन इस बार नाकाम हो गया। मैं पहले भी अपनी बात पे कायम थी और आज भी अपनी बात पे कायम हूं। आपको कुछ अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? मुझे बखूबी अंदाजा है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो लुबना के यहाँ बेटा पैदा होगा। अब देखो ना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से तस्दीक हो गई है ना। हेलो। आखिरकार आपको बेटी की याद आई गई। मुझे तो लगा था आप मुझे ब्याहकर भूल ही गई हैं। फरिया, तुम शुक्र करो कि मेरी ही वजह से तुम अभी तक मिसेज अरसलान हो, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मर्द ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते। मम्मा, क्या मुसीबत है, मैं तो यहाँ पे शादी करके फंसी चुकी हूँ। उसके माँ बाप और वो बुढ़ी दादी सबके सब निहायत ही चालाक लोग हैं। ना मेरी कोई सोशल लाइफ रही है, ना यहाँ पे मैं अपने कोई फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हूँ। चलो शुक्र है कि शादी के 2 हफ्तों के बाद ही सही तुम्हें अकल तो आई, वरना मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई। लेकिन तुमने किया वही जो तुम चाहती थी, सब भुगतो। मम्मा, आप तो कहती नहीं कि हम अरसलान को घर दामाद बना लेंगे। आप तो मुझे मेरा फ्लैट भी देने वाली थी, क्या हुआ उस सबका? हाँ बेटा, बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मैंने वो सब प्लान्स कैंसिल कर दिए। मैं तो 2-3 दिन से गिल्ट के मारे सो नहीं पा रही हूँ कि वो सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया। अगर अरसलान को पता चल जाए तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी उसके सामने।